हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, एग्जाम हॉल यानी कि परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आप हमारे दिए गए सभी प्रश्नों को बारीकी से देख लेते हो तो जी हाँ दोस्तों, आप भी 100 में 100 स्कोर करके आओगे पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, वीडियो देखने से पहले आपको कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है। यदि आपके पास कॉपी नहीं भी हो तो क्या करना है, सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है। सभी प्रश्नों को आप देख लो, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनने वाले, यह मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपके एग्जाम में 70% प्रश्न जो है रिपीटेड ही पूछे जाते हैं, 70% प्रश्न जो है रिपीटेड ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में यही से प्रश्न बनने वाले हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लोगे। बात रहा उत्तर का, तो उत्तर लिखने की भी कला सिखाई जाएगी आपको, जिससे कि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सको और आप भी कुछ अच्छा कर पाओ। तो सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ दोस्तों, बीए पार्ट 2 यानी कि बीए द्वितीय वर्ष वाले बच्चों के लिए आज का वीडियो वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इनमें जितने भी सवाल बताए गए यही सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इनमें कतई संदेह नहीं है, आप भी पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में टॉप करके आओगे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा दावा है। सर्वप्रथम आप पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। सर्वप्रथम बात आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है क्या। इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सर्वप्रथम हम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का, जितने भी राज्य हैं वो अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन एवं अभिव्यक्ति करते हैं, संवर्धन एवं अभिव्यक्ति करते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक समय, जी हाँ, एक यह प्रक्रिया जो है एक समय के बल एक समय की ना होकर निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया का प्रकटीकरण राज्यों का विदेश नीतियों के माध्यम से होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इसका आंसर शीट भी आपको हम तैयार करके देंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन लिख लो, आंसर मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी लिखना है, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का परीक्षण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में जो व्यवस्था उपागम है उनका परीक्षण आपको करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय उपागम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो आप लोगों ने पढ़ा, परंतु व्यवस्था उपागम का परीक्षण कैसे कर पाएंगे इसके बारे में बताना होगा। इस उपागम में हम लोग नैतिकता, जी हाँ, इस उपागम में हम लोग नैतिकता पर ज़रूरत से अधिक बल देते हैं, ठीक है। इन उपागम में हम लोग नैतिकता पर ज़रूरत से अधिक बल देते हैं। यह सत्य है कि नैतिकता का समाज में अपना महत्व है, परंतु राष्ट्रों के माध्यम, जी हाँ, राष्ट्र के मध्य राष्ट्रीय हितों के संघर्ष में शक्ति व कानून दोनों का विशेष स्थान होता है, ठीक है। जैसे हम बात कर ले, बिना कानूनी व्यवस्था के राष्ट्रों को एक विश्व में बांधना कठिन है। जैसे कि मान के चलो, यदि कानून व्यवस्था ना हो तो बहुत सारे राष्ट्र को एक विश्व में बांधना, ये मान के चलो बहुत सारे राष्ट्र हैं उनको एक विश्व में बांधना, विश्व में यानी कि वर्ल्ड में हम बांधना चाह रहे हैं, तो कानून व्यवस्था के बल पर ही हम बांध सकते हैं, बिना कानून व्यवस्था के बल पर नहीं बांध सकते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका वीडियो, जहाँ इस प्रश्न का जो है ऑलरेडी मैंने आंसर शीट तैयार कर रखा है, और इसका इस प्रश्न का जो है आपको वीडियो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे या टेलीग्राम में आप इसका आंसर भी प्राप्त कर सकते हो। उत्तर लिखने की कला भी आपको सिखाई जाएगी, ताकि आप फुल में फुल मार्क्स प्राप्त करो। कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, ये कला भी सिखाई जाएगी। तीसरा क्वेश्चन आप सभी को लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 1980 से भारत अमेरिकी संबंधों का विवेचना कीजिए। 1980, जी हाँ, 1980 से भारत अमेरिकी संबंध में क्या सुधार आए हैं, क्या मधुरता आई है, क्या कठोरता आई है, क्या कड़वापन आया है, ये आपको विवेचना करना है, इसके बारे में बताना है। तो इसको हम संक्षिप्त में बता दें, इसको डिटेल्स में काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, संक्षिप्त में आप सभी जान लो। दोनों लांग यानी कि दोनों जो है लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है, दोनों जो है क्या है लोकतांत्रिक, भारत और अमेरिका क्या है लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है। इनके बीच जो बढ़ते संबंध जो है, जितने भी बढ़ते संबंध हैं को 21वीं शताब्दी की एक परिभाषित
एक परिभाषित साझेदारी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ये साझेदारी जो है अमेरिका में बढ़ती भारत की सॉफ्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं के रूप में और भी मजबूत हो गई है, ठीक है, और भी मजबूत हो गई है। किसके प्रोडक्ट में? तो सॉफ्ट प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। पहले दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तटस्थता आंदोलन पर एक निबंध लिखे हैं। ये क्वेश्चन भी आप लिख लोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 1954 से भारत और चीन के संबंध को विवेचना कीजिए। 1954 जैसे कि आप लोगों ने देखा 1980 से भारत और अमेरिका के संबंध, 1954 से भारत और चीन के बीच जो संबंध अभी तक चल रहे हैं उस संबंध के बारे में आपको बताना है। क्या मधुरता थी, क्या कड़वापन था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका ऑलरेडी मैंने आंसर शीट तैयार कर लिया है, आपको मिलेगा कहाँ, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हम देंगे, परंतु आप क्वेश्चन पहले लिख लो यार, क्वेश्चन लिख ही सकते हो ना, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन लिख लेते हो तो मतलब आप 100 नंबर पॉलिटिकल साइंस में अपने खाते में लिख लेते हो, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, 1971 से भारत और पाकिस्तान के संबंधों का परीक्षण करें, ठीक है। ये जैसे कि 1954 से भारत चीन के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या समझौता हुआ था, क्या संबंध रहा था, क्या मधुरता रही थी, क्या मीठापन रहा था, क्या कड़वापन रहा था, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जब 7 में आप आओगे तो 7 में आपको पूछा जाएगा कि एक ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख समस्याओं का परीक्षण कीजिए। एक ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, देखिए आप लोगों ने राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पॉलिटिकल तो पढ़ा ही होगा, परंतु अब यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिकल की बात की जा रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल में क्या विकासशील राष्ट्रों की, जो जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका जो है एक विकासशील राष्ट्र है, चीन एक विकासशील राष्ट्र है, भारत एक विकासशील राष्ट्र है, की प्रमुख समस्याओं का, जो इन जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं इनका प्रमुख समस्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना होता है दोस्तों। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, तो इसे भी आप लोगों को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ सब यानी कि बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे देश मिलके एक संघ की स्थापना की जाती है, ठीक है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, ठीक है। इनकी महासभा के गठन, अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना करें। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के गठन किया जाता है, आखिर ये गठन क्यों किया जाता है, किनके द्वारा की जाती है, इनका अधिकार, इन्हें जो अधिकार मिला गया है, कौन कौन से अधिकार इन्हें दिए गए हैं, इनके कौन कौन से कार्य हैं, ये जानना अति आवश्यक है। इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। इसे क्या करना है आपको, अपने कॉपी कलम लेके लिख लेना है, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का परीक्षण करें। जैसे कि आपसे एक पिछले पहले एक प्रश्न में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र, जैसे कि प्यारे दोस्तों मैंने आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का गठन किनके द्वारा की गई थी, अभी फिलहाल में इनके अध्यक्ष कौन हैं, इसके बाद इनके अधिकार क्या हैं, इनके कार्य की विवेचना करें। अब उसी में हम बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ तो बन गया, गठन हो गया, परंतु उनमें बहुत सारे राष्ट्र मिलकर क्या होता है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, परंतु हमारे भारत राष्ट्र, हमारे राष्ट्र की क्या भूमिका है, उनके बारे में आपको बताना है। भारत की क्या भूमिका है संयुक्त राष्ट्र संघ में, इसके बारे में बताना है। तो प्यारे दोस्तों यदि आप PDF के फॉर्म में आंसर प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको दे दिए जाएंगे, परंतु आप स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो इसे, तो मैंने कुछ क्वेश्चन के वीडियो भी तैयार कर लिए हैं, वो अपलोड भी किया जा चुका है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आपको उत्तर लिखने की कला भी सिखाई जाएंगी। तो सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलने वाले हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अधोलोकित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त यानी कि संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। तो आपके सामने जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 2 पर आपको लिखना है। जैसे आपका मन हो तो सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार की समस्या क्या है, इनके बारे में लिख सकते हो, या भारत नेपाल के संबंध क्या है, क्वेश्चन नंबर सी में देख सकते हो, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो भारत नेपाल के संबंध के बारे में तो सभी लिख सकते हो, भारत और नेपाल के बीच जो है रोटी बेटी का संबंध है, आप सभी छात्रों को पता है, परंतु और भी क्या संबंध है इनके बारे में आपको बताना है। नेपाल की जब बात आती है प्यारे दोस्तों, नेपाल जो है कभी भी गुलाम नहीं हुआ है, विश्व के सभी राष्ट्र लगभग गुलाम हो चुके हैं, परंतु हमारा नेपाल जो है, पड़ोसी देश जो है हमारा, ये कभी भी गुलाम नहीं हुआ है, यही इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ये जो है एक सनातन
इनमें ये एक हिंदू राष्ट्र है नेपाल, ठीक है, हिंदू राष्ट्र है नेपाल। नेपाल में जो है नेपाली, हिंदी, मैथिली बोली जाती है, तो ये सब तो बाद की बात है, परंतु यहाँ पे भारत नेपाल के बीच संबंध क्या है इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद सुरक्षा परिषद में जो है जो निषेध है, निषेध अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं और इसकी समस्याएं क्या हैं इसके बारे में आपको बताना है, किसको, एग्जामिनर को बताना है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, इन्हीं तीन में से किन्हीं किन्हीं दो का आपको आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद यदि आप भी चाहते हो एग्जामिनर को इम्प्रेस करना, आप भी चाहते हो कि मुझे पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स मिले, तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को बारीकी से लिख लेना है। बात रहा आंसर शीट का, तो इन सभी क्वेश्चन का जो है आंसर शीट वीडियो में, तो एक ही वीडियो में तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में दूंगा तो 5 से 6 घंटा हो जाएगा और आप लोग उतना देर बने नहीं रहोगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको सभी प्रश्न के उत्तर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सजेशन मैंने दे दिया है, आप लोग पार्ट टू एग्जाम देने से पहले इन सभी प्रश्नों को देख लो बारीकी से, तो ही पार्ट टू का एग्जाम देने जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।